अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मीडिया के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से। जी, मैं भी आपके माध्यम से देश भर के सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि शक्ति का पर्व हम इस तरह से मनाएं, परास्त करने की दिशा में हम और आगे बढ़े। सावधानी जरूर रखें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी को भी जहां तक हो सके मेंटेन करें, और स्वच्छता का भी हम आग्रह रखें। तो शक्ति का पर्व सबके लिए शुभ हो, और देश की प्रगति के लिए ये शक्ति पर्व से जो नया समय शुरू हुआ है वो देश को बहुत आगे ले जाने वाला हो, ऐसी मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। अमित जी, वैसे तो आप हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने काम की वजह से, लेकिन इस साल आप अपने स्वास्थ्य की वजह से भी बहुत चर्चा में रहे, और पूरे देश में आपके स्वास्थ्य को लेकर लोगों में चिंता भी थी। जो आपके शुभचिंतक थे वो चिंतित थे, और जो आपके दुश्मन थे वो कुछ और सोच रहे थे। तो सबसे पहले पूरा देश ये जानना चाहता है आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्या अपडेट है, नहीं, आप पहले मैं कैसे हैं? स्पष्टता कर दूं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरी ओर से। हाँ, मगर हो सकता है मेरी विचारधारा और मेरी कार्य पद्धति के सामने कुछ लोगों को कुछ आपत्तियां हो सकती है। खैर, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, परंतु मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ। और मुझे कोरोना हुआ था, बाद में थोड़ी वीकनेस थी और इम्यूनिटी लेवल नहीं आया था, इसलिए डॉक्टरों ने आइसोलेशन में रहने के लिए सलाह दिया था। मगर मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ, अच्छे से काम कर सकता हूँ और आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये अलग अलग विचारधारा रहती है नेताओं के। बड़े नेता जो हैं वो ज्यादातर अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहते हैं। मैं जरा भी सिक्रेटरी नहीं हूँ, मुझे कोरोना हुआ 20 मिनट में मैंने ट्वीट कर दिया था कि मैं कोरोना ग्रसित हूँ। मेरे संपर्क में जो आए हैं तो अपना टेस्ट करा ले, क्वारंटाइन करा ले, जैसे बीमारी औरों को न लगे। इसमें सीक्रेट रखने जैसी कोई बात नहीं है, बीमारी किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय पे हो सकती है, इसका इलाज कराना होता है। इस दौरान आपका एक्सपोजर जो है, पब्लिक एक्सपोजर काफी कम हो गया, आप बहुत टाइम से दिखाई नहीं दिए। स्वाभाविक है। जी, तो ऐसा लगता है कि जो बिहार का चुनाव होगा वो इस साल में अब आपका पहला एक्सपोजर लोगों को मिलने वाला है। जी, मैं आप 25 के बाद जाने वाला हूं बिहार के चुनाव। जी, तो बिहार में मुझे याद है जब पिछली बार 2015 में मैं आपके साथ गया था चुनाव प्रचार में, उस समय भी आपने कहा था कि बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है। 2015 से और इस बार की स्थिति में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, 2015 में भी हम अच्छी स्थिति में थे, हमारी स्थिति में सुधार ही हुआ था। असेंबली में हमारी सीटें बढ़ी थी, मत प्रतिशत भी बढ़ा था, मगर चूंकि सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में नहीं था इसलिए हम चुनाव हारे थे। और ये वास्तविकता है, सबके सामने है कि जदयू, आरजेडी और बाकी जो मोर्चा बना था उसका सामाजिक समीकरण हमसे ज्यादा मजबूत था। मगर इस बार उल्टी चीज है, इस बार सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के 5 साल समाप्त होने के बाद ये 1.5 साल जो सफलतापूर्वक कोरोना का सामना किया है, और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों की चिंता कोरोना के समय में हुई है, जिस पर सबसे बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि रोज कमाकर रोज को खाने वाला वर्ग तो वो गरीब वर्ग ही है, जिसको अगर लॉकडाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, कल कारखाने बंद होते हैं, ऑटो रिक्शा बंद होते हैं, तो वो क्या खाएंगे? वो हरेक के गल में मार्च से लेकर छठ पूजा तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज भारत सरकार की ओर से पहुंचाकर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सहायता करी। हर महिला के जनधन अकाउंट के अंदर पैसे भेजे, हर किसान के बैंक अकाउंट के अंदर 6,000 रुपया भेजा, हर दिव्यांग के अकाउंट में भेजा, हर वृद्ध व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भेजा है। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे लघु उद्योग हो, चाहे मझले उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, सबके लिए चिंता करने वाला एक सर्वस्पर्शीय पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और बिहार जैसे प्रदेश में इसकी बहुत गहरी असर प्रो भारतीय जनता पार्टी, प्रो एनडीए दिखाई देती है। बिहार सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लगभग लगभग जितने भी प्रवासी मजदूर आए उनके रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, जाने के क्वारंटाइन पीरियड समाप्त होने के बाद 1,000 रुपया उनको मुआवजा दिया गया,
और आज बिहार का रिकवरी रेट 90% क्रॉस कर गया है, लगभग 94% के आसपास है, जो देश में सर्वाधिक रिकवरी रेट में से एक है। आप जानते हैं बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्वाभाविक रूप से बाकी राज्यों की तुलना में निर्बल माना जाता था, फिर भी 94% का रिकवरी रेट मैं मानता हूँ नीतीश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की बिहार सरकार, ये दोनों ने जो कोरोना में काम किया है, मैं मानता हूं कि इस चुनाव में हमारी बहुत बड़ी जमा पूंजी है जिसका फायदा हमें होने जा रहा है और सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में है। आपको याद होगा जब ये COVID-19 का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस समय प्रवासी मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, मीडिया में भी बहुत उसका हाइप हुआ था और उस समय ऐसा लगता था कि जैसे स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं है जिस तरीके से लोग बाहर निकल गए थे। आपको ऐसा लगता है कि उस स्थिति का, उन तस्वीरों को आपको लाभ होगा या उसका नुकसान भी हो सकता है, और ये पहला रेफरेंडम है उस पर देश का, क्योंकि पहला चुनाव है अब इस दौर में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि काफी कुछ लोग पैदल चले गए, धैर्य खो बैठे, व्यवस्थाएं हो इसके पहले, मगर वास्तविकता एक ही है, ये भी है कि सिर्फ बिहार में 1500 से ज्यादा ट्रेनें गई हैं अलग अलग राज्यों से और उनको सलामत रूप से अपने घर में पहुंचाया गया है। वास्तविकता ये भी है कि 2.5 करोड़ मजदूरों को ट्रेनों, बसों और अन्य सलामत मार्गों से घर पे पहुंचाया गया है, मगर एक साथ सबको ले जाने की व्यवस्था करना शायद संभव नहीं था। और कुछ राज्य में स्थिति भी ऐसी हुई, विशेषकर महाराष्ट्र में, कि उनको रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने की या उन तक के संदेश पहुंचाने का कम्युनिकेशन गैप भी रहा, तो इसके कारण लोग अपने अपने रास्ते से चल पड़े। उसमें भी हमने बीच में से एसटी बसों, महाराष्ट्र शासन ने भी किया, गुजरात शासन ने भी किया, राजस्थान शासन में सब सरकारों ने अच्छे से, यूपी शासन ने भी किया, बीच में बसें भेजकर उनको बसों में बिठाकर नजदीक के रेलवे स्टेशन पर ले जाने की भी व्यवस्था करी, उनके खान पान की भी व्यवस्था करी। मगर ये बात सही है कि कुछ लोगों को तकलीफ पड़ी है, मगर वो लोग भी समझते हैं जब गांव में जाते हैं 50 लोग सलामत रूप से वापिस आए हैं और 2 लोग पैदल चल के आए हैं, तो मात्रा तो उनके भी ध्यान पे आती है कि हमारी व्यवस्था ढंग से करने का प्रयास किया गया है। पर उस समय आपको ऐसा लगा कि सरकार की तरफ से मिसकैलकुलेशन था या मीडिया का ओवर हाइप था, विपक्षी दलों का ओवर हाइप, उन्होंने इस मुद्दे को कर दिया? मैं ये मीमांसा में जाना नहीं चाहता, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ कुछ कम्युनिकेशन गैप और कुछ प्रवासी मजदूरों के धैर्य खोने के कारण हुआ है, और खैर होना नहीं चाहिए था, मगर एक साथ इतने लोग निकल गए तो उनको संभालते संभालते, समझाते समझाते, उनको मेन स्ट्रीम जो व्यवस्था बनती है उसमें लाके लाते लाते एक सप्ताह गया, तो लगभग एक सप्ताह आपाधापी का समय रहा था। अमित जी, इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर, कि एलजेपी इस तरफ है कि उस तरफ है। ऐसा लगता है कि लोगों में भी कंफ्यूजन है और हो सकता है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी ये कंफ्यूजन हो, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? देखिए, अच्छा किया सुधीर जी आपने सवाल कर दिया। एलजेपी की ओर से मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं एलजेपी पार्टी से, मेरा कोई उनकी ओर से बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये 4 दल इकट्ठा होकर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, ये वास्तविकता है। तो मैं अपील करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त होकर ये 4 दलों के प्रत्याशी जहां पर भी चुनाव लड़ते हैं प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिताने के एडी चोटी का जोर लगाकर प्रयास करें। चुनाव में कई बार ऐसी चीजें कही जाती है जिससे कंफ्यूजन हो, मगर बिहार की जनता की राजनीतिक परख बड़ी पहनी होती है, जो बिहार की राजनीति को जानते हैं उनको मालूम है सबसे ज्यादा देश में राजनीतिक रूप से जागरूक जो 2-3 प्रदेश है उसमें से एक बिहार है, उनको मालूम है कौन कहाँ है। अखबार में फोटो लगाने से या पोस्टर में फोटो लगाने से कुछ नहीं होता, मोदी जी जाएंगे, मैं जाऊंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर स्पष्टता कर आएंगे, ये कोई छिपी रहने वाली बात नहीं, ये तय है
कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, हम एनडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें एलजेपी कहीं पर भी नहीं है। चिराग पासवान का ये बयान कि मेरे दिल में मोदी जी ऐसे बसते हैं जैसे हनुमान जी के दिल में श्री राम बसते थे, और आप मेरा दिल चीर के देख लीजिए तो मोदी जी की तस्वीर निकलेगी, आपको ऐसा लगता है ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए बयान नहीं? ऐसा तो कई ऑपोजिशन वालों के मन में है, इट डजंट मीन कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, काफी लोगों के मन में है। आपको ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान थोड़े ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, और इस वजह से, क्योंकि जब तक पासवान जी जीवित थे तब तक आपको इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली थी? अब उनका अपना आकलन है, वो महत्वाकांक्षी है या नहीं है ये टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से, एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी इनसे चर्चा कर रही थी, नड्डा जी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, हम दोनों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने और मैंने पर्याप्त सीटें उनको ऑफर की थी, परंतु वो नहीं माने और अंततोगत उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जब गठबंधन तोड़ दिया तो आज वो हमारे गठबंधन में नहीं है, जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है। पर केंद्र में वो गठबंधन में बने हुए हैं, ये कन्फ्यूजन इसलिए भी है, अभी बिहार चुनाव का समय है, उसके बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी इस पर ज्यादा स्पष्टता होगी, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि बिहार के चुनाव में लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है, चार ही पार्टी, हम पार्टी, जदयू, भाजपा और वीआईपी पार्टी, ये चार ही पार्टी एनडीए का गठबंधन है। एलजेपी के लोगों का ये भी कहना है कि जो वीआईपी पार्टी है इसको आपने थोड़ा ज्यादा ही वीआईपी स्टेटस दे दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जरूरत से ज्यादा बड़ा स्टेटस आपने दे दिया, वीआईपी को वीवीआईपी बना दिया आपने। चलिए वो उनका अभिप्राय है, हमारा तो आग्रह है कि होता है भाजपा का मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा कि पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा, अति पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा, और जो वंचित है उनको ज्यादा से ज्यादा स्थान दिए जाए। अब दो तीन सीटें ज्यादा भी मिली होगी तो क्या है जी। नीतीश कुमार जी को लेकर जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो एक तो होता है कि बहुत अति उत्साह होता है, जोश होता है, मेरा नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, तो तुरंत दिल से आवाज निकलती है नीतीश कुमार जैसा हो। पर अगर हम ये ना भी कहें कि एंटी इनकम्बेंसी वेव उनके खिलाफ है, पर इतना तो कह सकते हैं कि उत्साह उतना नहीं है उनको लेकर, इसका आपको नुकसान होगा? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, बिहार की जनता कांग्रेस के अंतिम 10 साल, लालू प्रसाद जी के 15 साल और नीतीश कुमार जी के 15 साल का कंपैरिजन जरूर करेगी। ये 25 साल जो कांग्रेस के अंतिम 10 साल अस्थिरता वाले और 15 साल लालू प्रसाद यादव के जंगल राज वाले गए हैं, उसमें बिहार को तहस नहस कर दिया। ढेर सारे नरसंहार होना, कितनी फिरौतियां, कितने लोग पलायन कर जाना, इंडस्ट्री पलायन कर दी गई, व्यापार पलायन कर गया, प्रोफेशनल पलायन कर गए, शिक्षा का पूरा खाका, एक जमाने में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से आते थे, पूरा बिहार का शिक्षा का खाका तितर बितर हो गया, शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार पहुंच गया। विकास दर की बात करें तो पहले 3% समथिंग विकास दर था जब लालू जी ने छोड़ा, आज 11.6 तक विकास दर को हमने पहुंचाया है। 23,000 करोड़ का बजट था, उसको लगभग लगभग हमने 2,11,000 करोड़ तक पहुंचाया है। 96% रोड बना दी है, पीने के पानी की स्थिति में सुधार किया है, गांवों में बिजली पहुंचाने का काम 70% समाप्त कर दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार ने ये जो काम किए हैं, मैं मानता हूं बिहार की जनता इसको ढंग से देख रही है। उसके घर में बिजली आई है, उसके घर में शौचालय आया है, उसके घर में स्वास्थ्य का एक कार्ड पहुंचा है जिसे 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ वो अपना करा सकता है, गरीब को घर मिला है। इतनी सारी चीजें नरेंद्र भाई ने 60 करोड़ गरीबों के लिए की है, और बिहार सरकार ने जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था को कब्जे में लिया है, यहाँ दिन दहाड़े डकैतियां, फिरौती, नरसंहार होते थे, उसकी जगह अब बच्चियां साइकिल लेकर दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं, 9वीं 10वीं कक्षा की बच्चियां। ये स्थिति बिहार देख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा है। और जब वोट डालने जाएंगे तो एक और तो कोरे वादे हैं और एक भयावह बैकग्राउंड है, दूसरी ओर कंक्रीट नक्कर किया हुआ काम है और आगे की ठोस रणनीति है। तो मुझे लगता है कि एनडीए के
कंक्रीट किए हुए काम और आगे की ठोस रणनीति के बिहार की जनता पसंद करेगी और निश्चित रूप से बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमें चुनाव जीतेंगे। इस बार लालू यादव प्रचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जेल में है और लोग बिहार के शुरू से ये कहावत रही है वहां पर कि समोसे में अगर आलू तो चल सकता है लेकिन बिहार के बिना लालू नहीं चल सकता, तो इसका आपको एडवांटेज मिलेगा कुछ क्योंकि उनका परिवार तो है अभी वो लड़ रहा है लेकिन वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से सब कुछ कर रहे होंगे। देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा वो तो भगवान जाने, चुनाव के बाद ही आकलन कर सकते हैं, परंतु जो भी स्थिति है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर चारा घोटाला न होता तो श्रीमान लालू जी आज भी मैदान में होते चुनाव के, चूंकि उन्होंने चारा घोटाला किया, गरीबों के घास चारे के पैसे खाए गए, अरबों खरबों रुपये में खाए गए, तो कभी ना कभी तो होना ही था। पर जो उन्होंने सत्ता का ट्रांसफर किया है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनके जो पुत्र हैं अब वो चुनाव में हैं, आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? देखिए इसके लिए भी बड़ा रोष है, इवन यदुवंशियों में भी रोष है, कई जगह से आवाजें उठने लगी कि परिवारवाद की राजनीति कब चलाएंगे। और आप पूरे देश को देखिए, हर जगह देश में धीरे 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 परिवारवाद को रिजेक्ट होता है। मोदी जी की भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण, ये त्रियों को समाप्त कर दिया है और विकास का एजेंडा को स्थापित किया है। और मैं मानता हूं बिहार का चुनाव भी विकास के एजेंडे पर ही जाएगा। जब आप अध्यक्ष थे तब भी बीजेपी बिहार जीत नहीं पाई, अब एक और मौका इस बार मिला है, लेकिन अभी जो नीतीश कुमार जी के साथ आपका इक्वेशन है उससे कई बार ऐसा लगता है कि आप बीजेपी जो है वो जूनियर पार्टनर की तरह लड़ रही है, क्योंकि आपने ये भी कह दिया कि मान लीजिए सीट उनकी कम भी आई तो भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। क्या अब हम ये मान लें कि बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी जूनियर पार्टनर है वहां? देखिए कम ज्यादा का सवाल नहीं है, एनडीए एक यूनिट के नाते लड़ रहा है, हम दो तिहाई से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ने 15 साल में काफी अच्छा काम किया है और मोदी जी की सरकार के ने जो योजनाएं भेजी, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी ने जो 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के लिए दिया, चाहे वो गंगा पर बड़े बड़े पुल बनाने हो, चाहे खाद के कारखाने बनाने हो, चाहे बिजली को गांव तक पहुंचाना हो, चाहे इरिगेशन की व्यवस्था करनी हो, चाहे स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, चाहे पेट्रोलियम में रिफाइनरी डालना हो या पेट्रोलियम की लाइनें का जाला बिछाना हो, ये सारी चीजों ने उन्होंने लॉजिकल एंड तक ले गए हैं और ये बिहार की जनता ने अच्छे से देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कंफ्यूजन में बिहार की जनता आएगी, ना भाजपा और न जदयू के कार्यकर्ता भी आएंगे, हम सब मिलकर एक मोस्ट होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजे अच्छे आने वाले। मान लीजिए ये सब हो भी जाता है, मैं वापस एलजीपी पर आता हूँ, बिहार चुनाव के बाद क्योंकि पासवान जी केंद्र सरकार में मंत्री थे, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके कोटे से एलजेपी का एक और मंत्री आएगा, यानी चिराग पासवान को आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? देखिए इसमें मैं अकेला निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि अभी उन्होंने एनडीए को बिहार चुनाव में छोड़ा है, तो सभी लोग साथ में बैठेंगे, सभी दल भी बैठेंगे, भाजपा की टीम भी बैठेंगी और जो उचित निर्णय है वो करेंगे हम। अमित जी कोविड-19 के बाद से ये पहला चुनाव है देश में, क्या अंतर आपको लगता है कि इस कोविड काल में, इस चुनाव में और बाकी के चुनावों में कितना अंतर रहेगा और क्या आपने कोई नई तरीके से तैयारी की है इस चुनाव की? देखिए सब दलों ने करनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा भीड़ तो इकट्ठा कर नहीं सकते हो आप, तो रैलियों की संख्या लिमिटेड रहेगी, वर्चुअल रैली पर जोर रहेगा, मीडिया के माध्यम से पहुंचने पर जोर रहेगा और वर्चुअल रैली के माध्यम से हर बूथ में छोटे छोटे गांव में 50-100 लोग नेता को सुने, इस प्रकार का एक नेटवर्क खड़ा करना, नेटवर्क को सक्सेसफुली चलाना और उसको वोट में परिवर्तित कर मतदान मथक तक ले जाना, एक नए प्रकार का प्रयोग कोविड के कारण अचानक भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के अंदर करने की सबको फर्ज पड़ी है। अगर मैं मानता हूँ इसमें से भी कुछ अच्छा निकलेगा, चुनाव का खर्च हो सकता है हमेशा के लिए थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है चुनाव के अंदर जो वर्चुअल रेडियो की परंपरा होती है वो कोविड के बाद भी चालू रहे, लोगों का समय भी बचेगा, मतदाताओं का भी बचेगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी बचेगा और लोग अपनी बात, अपने नेताओं की बात
प्रतिस्पर्धियों की बात सुनकर उचित व्यक्ति का चुनाव भी कर पाएंगे। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने शुरू से आईटी पर बहुत जोर दिया है, एक तो आपका ये एडवांटेज हो सकता है। दूसरा ये कि आप रणनीतिकार हैं लेकिन साथ में आपने COVID-19 में भी बहुत काम किया, तो आपका जो अपना तजुर्बा है जब आपने दिल्ली में और बाकी जगह गृह मंत्री होते हुए काम किया COVID-19 का, उसका भी कुछ लाभ आपको मिला चुनाव कैंपेन ड्राफ्ट करने में बिहार में? नहीं, देखिए हमारी आईटी सेल ने बहुत मेहनत की है। लगभग 3 महीने पहले से हमने वर्चुअल रैलियों को देश भर में, न केवल बिहार में, एक एक्सपेरिमेंट करा था। मैंने ही बिहार में वर्चुअल रैली की थी, कलकत्ते में, बंगाल में भी करी थी, बड़ी सफल रैलियां हुई, उड़ीसा, केरल, सब जगह अलग 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 नेताओं ने रैली की थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला स्तर पर वर्चुअल मीटिंगें करी है, मोदी जी ने भी लगभग हर संसदीय क्षेत्र में वर्चुअल मीटिंग कार्यकर्ताओं की है। तो एक पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी का वर्चुअल प्रचार का 3 महीने पहले से बना हुआ है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से नीतीश जी को, एनडीए को भी मिलेगा, नीतीश जी को भी मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो कॉमन ही होता है, सवाल नेता ने आकर बोलना होता है। तो ये सब चीजों से हमें फायदा हो गया ऐसा मुझे तो अभी दिखता है। चुनाव अभी अभी शुरू हुआ है, थोड़ी गर्मी पकड़ रहा है और 26 तक प्रथम चरण का प्रचार जब समाप्त होगा, 23 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं बिहार में, 3 रैलियां हैं। मुझे लगता है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़े वेव की वहीं से धक्का मिलेगा, हमें फायदा भी होगा। तो सामाजिक संतुलन के लिए आप नीतीश कुमार जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी मोदी जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो कौन किसके कंधे पर है? इसमें इस प्रकार के इक्वेशन बिठाने का सवाल, जब साथी होते हैं तो सब बराबर होते हैं। मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश जी बिहार के स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, मगर हम सब साथी हैं और साथ में चल रहे हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा ऐसा भाव रखने की कोई जरूरत नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस अगर 2015 से खराब रही इस बार बीजेपी की, तो ये मोदी सरकार के ऊपर भी एक रेफरेंडम माना जाएगा, चीन के ऊपर माना जाएगा, कोरोना वायरस पर आपने जो काम किया उस पर माना जाएगा, रोजगार, इकोनॉमी, सब पर एक रेफरेंडम होगा ये? देखिए हर बार विपक्ष ऐसी बात करता है, सबको मालूम है कि फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट के चुनाव के सब्जेक्ट अलग होते हैं, सेंटर के चुनाव के सब्जेक्ट अलग होते हैं, फिर भी ऐसा समय नहीं आने वाला क्योंकि हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे जी। तो जो लोग अभी शायद रेफरेंडम वो भी बोलते हुए डर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अंत में बीजेपी चुनाव जीतने वाली है। अमित जी, पूरे दुनिया में अब कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आ रहा है कोविड का और बहुत सारी जगह लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है, क्या भारत में भी सेकेंड लॉकडाउन के लिए आप लोगों ने कुछ सोच कर रखा है, कंसीडर भी किया है आपने? नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक सावधानी का बड़ा अभियान चलाया है, वो गांव-गांव तक, स्कूल-स्कूल तक, पुलिस थाने तक, आंगनवाड़ी तक, हेल्थ वर्कर तक, हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि जब तक टीका नहीं संशोधित हो जाता और जब तक इसकी दवाई नहीं बन जाती, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और हाथों को कई बार दिन में अच्छे से साफ करना, ये तीनों चीज़ों पर बल देना यही है। और जहाँ तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन के वक्त ही हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से सुधार कर लिया। आज भारत में कोविड को लड़ने के लिए दुनिया में कह सकते हैं हम कि सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके प्रोटोकॉल्स बन गए हैं कि किस स्टेज पर किस दवाई देनी है, किस नहीं देनी है, रिपोर्ट किस तरह से निकालनी है। एम्स रोज 35-40 अस्पतालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इनके डॉक्टरों को गाइड कर रहा है, पेचीदे जो केस हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, इसको रिफर किया जा रहा है, उस पर यहाँ से एडवाइस भी जा रही है, इसके कारण मृत्यु दर भी कम हो रहा है और रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हमारा, जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया तब विपक्ष के कुछ नेता, विशेषकर राहुल गांधी, कहते थे पूरा देश बंद कर दिया, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला। आज उनको मालूम नहीं है कि अगर लॉकडाउन न करते और उस वक्त
पीक आता, तो बगैर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लाखों करोड़ों लोग मर जाते। पर वो तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उनको तो हर चुनाव में जनता ही मनाएगी, मैं और आप नहीं मना पाएंगे, परंतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है वास्तविकता है, क्योंकि मृत्यु दर तो कोई मैनेज नहीं कर सकता। मृत्यु ऐसी चीज है जिसको कोई छुपा नहीं सकता। रिकवरी रेट कोई मैनेज नहीं कर सकता। व्यक्ति रिकवर होकर घर पे जाता है तो ही जाता है, अदरवाइज तो वो तो अस्पताल में होता है। तो ये दोनों आंकड़े प्रति 10 लाख के ले रहे तो हम दुनिया में बहुत अच्छी स्थिति में है, जो बताता है कि भारत ने इसको अच्छे से किया। पहले टेस्टिंग किट यहाँ नहीं बनती थी, अब स्वदेशी टेस्टिंग किट बन गए। पहले 2-5 लेबोरेटरियाँ थी, अब हजारों की संख्या में लेबोरेटरी हो गई, 10-10 लाख टेस्ट होने लगे, करोड़ों टेस्ट हो गए और वेंटिलेटर भी स्वदेशी बन गए। कई जगह पे आईसीयू बढ़ाए गए, कई अस्पताल नए बनाए गए। ये सारी चीजों को बढ़ाकर हमने एक कोरोना की स्थिति के सामने मोदी जी के नेतृत्व में सफल लड़ाई लड़ी है। और बीच में एक भय था कि ऑक्सीजन की किल्लत आएगी, इसके लिए भी वॉर फुटिंग पर मोदी सरकार ने एक्शन लिए और आज वो भी स्थिति को हम निपट रहे हैं और ग्राफ धीरे 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 नीचे जा रहा है। भगवान करे कोई सेकंड वेव ना आए। आएगा तो इसके खिलाफ भी लड़ेंगे, क्योंकि पर आपको लगता है कि लड़ना ही तो जीवन है। सेकंड लॉकडाउन की भी तैयारी कुछ करके रखनी चाहिए। लॉकडाउन का शायद नौबत ना आए जी, मैं नहीं मानता लॉकडाउन का नौबत आएगा, परंतु इसके खिलाफ लड़ने की तैयारी सरकार की, भारत सरकार की, राज्य सरकारों की भी, सभी दलों की, राज्य सरकारों की पर्याप्त है और अच्छी है। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने पाकिस्तान में एक लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भी भारत से ज्यादा अच्छा काम किया है कोविड के कंट्रोल को लेकर। तो और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं और पाकिस्तान उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा, फिर से वापस पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। तो आप गृह मंत्री हैं, आपने इतना काम किया, जब आप ही के देश का एक नेता पाकिस्तान में जाकर ये कहता है कि पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया। देखिए, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, कांग्रेस शुरू से ये कर रही है। एपीसमेंट के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए पाकिस्तान की पीठ थपथपाना कोई नई बात नहीं है। स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो रही थी, इमरान का समर्थन हो जाए, इस प्रकार के स्टेटमेंट उन्होंने भी दिए थे। मणिशंकर अय्यर ने भी कई बार दिए, अब शशि थरूर दे रहे हैं। मगर मैं देश की जनता को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपनी ओछी एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के कारण जो लोग देश के हितों को ताक पर रखते हैं, देश के सम्मान को ताक पर रखते हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। और अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, ये अब नहीं चलेगा, देश की जनता उनको जान चुकी है। शुरुआत में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप हाल के दिनों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने पीछे 6 महीने में ये भी देखा कि सरकार जो भी काम कर रही है, जब मान लीजिए COVID-19 को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत थी या जो भी घोषणाएं थी, फिगर्स फैक्ट्स जो थे, लेकिन ये भी अब मीडिया में इसकी कोई जगह नहीं है। आप जो नहीं दिख रहे हैं उसका एक कारण तो ये था कि आप खुद बीमार थे, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि मीडिया में अब सरकारी घोषणाओं की जगह ही नहीं बची, क्योंकि मीडिया में कुछ और चल रहा है। पीछे 6 महीने से मीडिया की भी काफी आलोचना हुई, ये सोचकर कि इस समय भी सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की खबरें ही चलती रही। तो मैं भी ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूं, आप भी ईमानदारी से हमें बता सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी बदल गई है, और फिर जनता को ये बता दिया जाए कि ये TRP की कंपल्शन है। नहीं, मैं मानता हूं, अब मैं कोई एडवाइस देना नहीं चाहता मीडिया जगत के लोगों को, मगर बैलेंस करने की जरूरत है, ऐसा जनता भी फील कर रही है, हम लोग भी फील कर रहे हैं। खबर खबर होती है, खबर मार्केटिंग की चीज नहीं होती है, खबर पहुंचाने की चीज होती है। अब आप इसको छोटी छोटी चीजों को तूल देकर पूरा दिन भर चलाते रहोगे, खैर जनता ही अपने तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेगी, तभी जाकर ठीक ठाक होगा। जैसे मुझसे आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि आप बिहार में हमसे ज्यादा शायद लोगों से बात कर रहे होंगे, जैसे ये आया कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है,
क्या आपको ऐसा लगा कि है ये चुनावी मुद्दा, इस पर भी वोट पड़ेंगी? हो सकता है कुछ लोग इस पर भी वोट डाले, मगर दो चीजें एक साथ हुई, इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई। मुझे आश्चर्य इस बात का था कि महाराष्ट्र सरकार ने क्यों सीबीआई को पहले नहीं दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को, देश के उच्चतम न्यायालय को फैसला करना पड़ा और बात लिंगरिंग हो गई तो बड़ी हो गई। अगर पहले से ही सीबीआई को दे देते, इनके परिवार की अगर मांग है, और सीबीआई को दे देते तो बात खत्म हो जाती वहां पर। खैर, अब मीडिया ने भी इसको ज्यादा तूल भी दिया जी। लेकिन एनसीबी आपके अंडर है, सीबीआई भी आपके पास है, एम्स का बोर्ड भी आपके पास है, तो क्या आपने उनको कुछ निर्देश दिया? नहीं, मेरा निर्देश देने का कोई कतई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। सब संस्थाएं अपने अपने रूप से स्वतंत्र रूप से जांच कर रहे हैं और ये न्यूट्रल जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार, इस प्रकार की चीजों में विश्वास नहीं रखती है कि हम एजेंसियों की जांच के अंदर कोई राजनीतिक निर्देश दें। तो आपकी तरफ से इस मामले को लेकर कोई ना जी ब्रीफिंग नहीं थी? ब्रीफिंग एक भी नहीं हुआ, वो तो छोड़िए, हमने इतना ही कहा है कि जो सच है उसको लेकर जनता के सामने रखिए, अदालत के सामने रखिए। जी अमित जी, हाल के 6 महीनों में अदालतों में मीडिया को लेकर, अदालतों में और थानों में मीडिया को लेकर जितने केसेस आए इतने पहले कभी नहीं देखे गए। अचानक से एक नया दौर शुरू हुआ है, अदालतें सरकार से पूछती हैं आपके पास क्या मैकेनिज्म है, आप क्या कर रहे हैं। थानों में जब केसेस जा रहे हैं उसमें राजनीति होती है, गलत को सही, सही को गलत। आजकल जो कुछ हो रहा है इसको लेकर, क्योंकि आप देश के गृहमंत्री, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये टीआरपी घोटाला हुआ है इसको लेकर आपसे पूछ रहा हूं कि इसको लेकर क्या चिंतित हैं आप, सरकार इस पर क्या करेगी या अभी सिर्फ मीडिया के ऊपर छोड़ेगी कि सेल्फ रेगुलेशन ही चले? देखिए, संदेहास्पद स्थिति किसी भी क्षेत्र में हो वो समाज जीवन के लिए चिंता का विषय होता है, और समाज जीवन के लिए चिंता का विषय होता है तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय होता है। मैं अभी इस स्तर पर तो कुछ कह नहीं सकता, मगर जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों से न्यूज आ रही है, मुझे लगता है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत कहीं ना कहीं है, और कम से कम इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जी, मैं यहाँ रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे देश में? ये तो अच्छी बात है कि मीडिया के पास सेल्फ रेगुलेशन है, वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के कानून है उनका भी पालन उस समय होता रहे, वो भी इंश्योर करना जरूरी है। नहीं, वो अब मीडिया के लोग और अदालत ही मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हम करने भी जाएंगे जी तो इसका गलत अर्थ निकलेगा, और करना भी नहीं चाहिए। तो मीडिया के लोग और जो संस्थाएं बनी हुई है वो और अदालत ही इसको ठीक करे, अगर ठीक करने की जरूरत है तो। जी, अब मैं बंगाल पर आता हूँ। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां बिल्कुल सही समय है ये राष्ट्रपति शासन लगाने का, आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, और इस प्रकार के इंटरव्यू में मैं कह भी नहीं सकता, परंतु इतना जरूर कहता हूं कि बंगाल के अंदर चिंताजनक स्थिति है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या करना, हत्या होना, और बाद में उसी दल के लोगों को वो हत्या में फंसा देना, खुलेआम रोड पर शूटआउट होने, हर जिले में बम के कारखाने मिलने, प्रशासन चरमरा गया है। अम्फान साइक्लोन के बाद जो लोगों को मदद पहुंची थी उसमें भी एपीसमेंट, कोरोना का पूरा व्यवस्था टूट पड़ा है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया है, और बंगाल की जनता त्राही त्राही है। हम तो वहाँ ऑपोजिशन में है, संघर्ष कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर दमन हो रहा है, हत्याएं हो रही, और मैं मानता हूं कि शायद ही देश में ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें राजनीतिक विंडिक्टिवनेस के कारण इतनी हत्याएं रिसेंट पास्ट में हुई होगी। जो बंगाल की स्थिति है वो चिंताजनक तो है ही, राष्ट्रपति शासन एक अलग विषय है, इसके संवैधानिक पैरामीटर्स भी है, और फैसला इस प्रकार के इंटरव्यू में आना से नहीं होता है, इसकी प्रक्रिया होती है, परंतु चिंताजनक हालत है।
जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी तब यही आरोप वो सीपीएम के खिलाफ लगाती थी और तब राष्ट्रपति शासन की मांग भी करती थी। अगर उस बेंचमार्क से आप जाना चाहेंगे? नहीं, देखिए मांग तो हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी मांग कर रहे हैं, मगर सरकार को बैलेंस तरीके से सोचकर आगे बढ़ना होता है। जब आप COVID-19 को लेकर अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते थे कोऑर्डिनेशन के लिए, प्रधानमंत्री भी करते थे, आप भी करते थे, ऐसे कुछ मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने आपको कोई कोऑर्डिनेशन आपके साथ दिखाया ही नहीं, या जो आप यहां से तय करते थे उसका उल्टा वो अपने यहां ग्राउंड पर करते थे? बंगाल ने ही करा है, बाकी बाय एंड लार्ज तो हमें कोई जगह पे दिक्कत नहीं आई, चाहे कांग्रेस के राज्य हो चाहे कम्युनिस्ट राज्य हो, सब ने माना है। क्योंकि एक ऐसी लड़ाई थी जिसको कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठाना चाहिए, ऐसा सब मानते थे। और प्रधानमंत्री जी ने पे बिल्कुल अब पॉलिटिकल स्टाइल से जिसको जो नीड थी वो नीड केंद्र की ओर से पूरी करने का प्रयास किया, सबके साथ बात करी, वो स्वयं करते थे, मैं भी करता था, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बात हुई, कई बार नीड बेस पर 1-to-1 भी बातें हुई, लंबी बातें हुई, और कई बार टीमें भी यहाँ से सहायता के लिए जी भेजी गई और इसका फायदा भी हुआ है। तो कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए या कोई प्रचार के लिए नहीं था, टीमें गई आपको मालूम भी नहीं पड़ा, टीमें अपना काम कर कर वापिस आ गई, वहाँ रिकवरी रेट भी सुधरा, डेथ रेट भी कम हुआ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव भी हुआ। मैं मानता हूँ कि ऐसा कह सकते हैं कि 90% देश में इस बात पर आम सहमति थी कि एक साथ एक मुस्त होकर एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को लड़ना चाहिए। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्य में उनके नेतृत्व में लड़ाई को अच्छे से लड़ा है। आप जब धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर से, तो आप ये कह सकते हैं कि राजनीति की भाषा में यू आर द पोस्टर बॉय ऑफ दैट डिसीजन। प्रधानमंत्री ने आपको, आपकी तारीफ भी की लोकसभा में आने के बाद, लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तीनों आने के बाद, बाहर जब आए एक साल के बाद, तो तीनों के तेवर वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और तीनों ने वही भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया जो पहले था। तो अब ये जानने की जरूरत है कि एक साल के डिटेंशन के बाद क्या वो हो पाया? देखिए काफी हद तक तो हुआ है, मगर कोविड के कारण गति थोड़ी स्लो हुई है। वहाँ पर भी कोविड का प्रकोप था और भारत सरकार भी स्वाभाविक रूप से कोविड के खिलाफ लड़ने में बिजी थी। अभी 4-5 महीने से फिर से स्पीड बढ़ी है। मुझे लगता है एक साल आते आते 70 साल तक जो कश्मीर में विकास नहीं देखा है वो हम दिखाने में सफल होंगे, पहुँचाने में सफल होंगे। सभी व्यक्तिगत बेनिफिशियरी है, जैसे विधवा सहाय, वृद्ध सहाय है, वजीफे देने हैं, इस सब चीज़ों को पहुंचाने की शुरुआत की गई है। हर गांव में बिजली पहुंचना शुरू हो गया, हर गांव में पानी पहुंचना शुरू हो गया है, पंचायत के चुनाव अच्छे से हो गए, जिला पंचायत के चुनाव 1-2 दिन में ही घोषित होने वाले हैं। तो 3 स्तरीय जो हमारी पंचायती व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगी, स्थानीय लोगों को अधिकार मिलेंगे, स्थानीय लोग अपने जरूरियात के हिसाब से बजट का प्लानिंग कर पाएंगे, और धीरे 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 कश्मीर पटरी पर आ रहा है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, एकदम अच्छे तरीके से कंट्रोल है, और टेररिज्म हो या इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई है और अच्छे से हम कर रहे हैं। जहाँ तक अब्दुल्लाज और मुफ्ती फैमिली का सवाल है, उनका तो करना स्वाभाविक है क्योंकि 370 की आड़ में इतने साल तक वहां का शासन उन्होंने भुगा है, गरीब को गरीब रखने का काम किया है, कश्मीर में विकास नहीं पहुंचा है, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना करप्शन हुआ है। और ये करप्शन एक बहुत बड़ी खदान थी जो आज बंद हो पड़ी है। तो मैं मानता हूं कि कश्मीर की जनता जानती है कि 370 से हटाने की ये जो मांग है वो क्यों कर रहे हैं। पर महबूबा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गई ये जानने के लिए कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा क्यों। आप होम मिनिस्टर हैं तो आप देश को भी ये बता सकते हैं कि इनको हाउस अरेस्ट में रखा क्यों, कारण क्या था? देखिए हाउस अरेस्ट में नहीं रखा, पहले तो अरेस्ट में ही रखा था।
जब 370 को हटाया गया तो अपप्रचार कर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम न कर पाए, और जिस प्रकार के बयान उस वक्त आते थे, आग लग जाएंगे, हाथ काट ला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुझे लगता है कि उचित ही कदम था। और जैसे ही स्थिति नॉर्मल हुई, सब बच बाहर है, अपनी अपनी पार्टी भी चला रहे हैं, और चलाए कोई आपत्ति नहीं, इस देश में कई पार्टियां हैं, चलती है, जम्मू कश्मीर में भी चलनी चाहिए। पर महबूबा, जब अपने सरकारी बंगले में बैठकर, सरकारी सुरक्षा के अंदर बैठकर ये तीनों लोग सब कुछ सरकार, भारत सरकार का इस्तेमाल करके, फारूक साहब तो तनख्वाह भी लेते हैं, वो सांसद हैं भारत सरकार से, और फिर आप चीन से मिलने की बात करें और कहें कि चीन से मिलकर हम 370 की बहाली करा लेंगे, तो क्या हमारे देश का कानून इस पर खामोश है? हम कानून अपना काम करेगा समय पर, मगर मैं इसको उचित नहीं मानता। आप कुछ, ये भाषा उचित नहीं है, कोई कार्रवाई इस पर? कार्रवाई देखेंगे, अभी जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट आएगी बाद में, परंतु इसको हम उचित नहीं मानते। अब आखिरी विषय अमित जी है चीन। आपको ऐसा लगता है कि चीन को जज करने में, समझने में हम लोगों से गलती हुई? क्योंकि पहले तो हमने बहुत दोस्ती के हाथ उनको बढ़ाए थे, ममल्लापुरम में भी किया हमने, वुहान में भी किया हमने, साबरमती में भी किया, तो हम जज नहीं कर पाए चीन को। देखिए, दो चीजें हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। किसी भी व्यक्ति से रिश्ते सुधारने का प्रयास करना, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। बिगड़े हुए रिश्ते पड़ोसियों से सुधारने ही चाहिए, मगर सुधारने की ललक में हमारे हितों की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। हमने सुधारने का प्रयास किया, जब भी हमें लगा कि हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण का प्रयास हो रहा है, हमने आंख में आंख डालकर जवाब दिया है। ये 62 वाली स्थिति नहीं है। रिश्ते सुधारने का प्रयास हमने पाकिस्तान से भी किया था, चीन से भी किया था, सबसे करना भी चाहिए, मगर जब आप योग्य प्रतिभाव देने की बजाय अलग तरीके से वर्ताव करोगे, तो उस वक्त हमारा स्टैंड अलग होगा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्धता का होगा, जो मोदी सरकार ने अच्छे ढंग से कर दिखाया है। तो क्या हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं, जैसे अभी बात हो रही है, पाकिस्तान और चीन के दोनों फ्रंट एक साथ अगर खुलते हैं तो? मैं नहीं मानता ऐसी नौबत आएगी। अभी कूटनीतिक स्तर पर भी बात हो रही है और सेना के अधिकारियों के बीच में भी बात हो रही है, आशा करनी चाहिए रास्ता निकल आएगा, अच्छा रास्ता निकल आ जाए। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि भारत की एक इंच की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, पर ये भारत सरकार का अटल निर्णय है। पर गलवान के बाद उन्होंने अतिक्रमण किया है या नहीं किया है? देखिए, अभी मैं फिर से एक बार कहता हूं, भारत की भूमि पर एक इंच अतिक्रमण, छोड़ दीजिए अंदर गप्पे लगाते 12 किलोमीटर अंदर आ गए 30 किलोमीटर, एक इंच भी भूमि हमारी किसी के हाथ में हम नहीं जाने देंगे। वैसे राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास है फॉर्मूला 15 मिनट वाला, तो आप उनसे उनसे भी सीख सकते हैं भैया, वो 62 में ही कर लेते, तो इतना हजारों वर्ग हेक्टर भूमि न चला जाता। उस वक्त के तो प्रधानमंत्री ने आसाम को कह दिया बाय बाय आसाम आकाशवाणी पर, और कांग्रेस पार्टी हमें यह नसीहत दे रही है, आपके पर नाना की सरकार थी तभी जमीन जाती रही। हमारे समय में कम से कम हमने डटकर मुकाबला किया है। मैं तो गर्व करता हूं बिहार रेजिमेंट के उन जवानों पर, जिन्होंने इतनी हड्डियां गलाने वाली ठंड में भी रात को मुस्तैद रहकर हमारे देश की सीमा की सुरक्षा की और कठोर जवाब दिया है, शहीद भी हुए। अब इसमें लेटेस्ट ये है जो मैं आपसे बिल्कुल ताज़ा बात जो कर रहा हूँ, वो ये कि लेह में जब आप अपना लोकेशन फीड करते हैं तो लेह को, वो जम्मू कश्मीर को चाइना का हिस्सा दिखा रहे हैं उनके फ़ोन में जो मैप्स हैं। इसी तरीके से जो उनके फोन है चाइना के, वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाई नहीं रहे, तो ये एक आईटी वॉर में भी तब्दील हो गया। अब नहीं, देखिए ये आज से नहीं है, मैंने बोला ना आजादी के समय से 62 से विशेष कर चल रहा है, और हम इसके खिलाफ तो लड़ रहे हैं। हमारी जो हक की लड़ाई है बातचीत में, वो इसी के तो खिलाफ है। कोई सोल्यूशन आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? सोल्यूशन तो अब वार्ता से ही आ सकता है,
वार्ता चल रही है, देखिए सबने आशा करनी चाहिए कि अच्छा सॉल्यूशन निकले। अभी तक अपने देश में दिवाली जब भी आती थी तो चाइना का अच्छा खासी भूमिका रहती थी बाजारों में, इस बार कुछ कमी देखते हैं आप दिवाली पर? निश्चित रूप से कमी दिखाई पड़ती है बाजारों में, अखबारों में, मैं तो पढ़ता हूँ ज़्यादा, बाजारों में गया नहीं, मगर देश की जनता के मन में भी गुस्सा तो है जी। अमित जी, आखिरी सवाल ये है कि आप खुद बीमार रहे, COVID-19 का से आपने मुकाबला किया, एक व्यक्ति के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर और एक नेता के तौर पर, ये नई स्थिति ने आपको कैसे चेंज किया है? जब आप अस्पताल में रहते होंगे तो आपको समय मिला होगा आत्ममंथन करने का, एज ए पर्सन ऑल्सो, एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो, और आप जैसा जो पॉलिटिशियन है जो लगातार बाहर घूमता है, अगर वो कमरे में बंद रह जाए तो वो भी अपने आप में एक सजा से कम नहीं होगा? नहीं, देखिए बहुत समय से पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं मिला था, खासे 1.5 महीना मुझे पढ़ाई लिखाई का टाइम मिल गया। दूसरी बात, कई सारी चीज़ों को पीछे मुड़कर देखने का, सोचने का अवसर भी मिला। कई गलतियाँ मुझसे स्वयं से कहाँ हुई, क्या हुई, इसका एनालिसिस भी किया और आगे के लिए वो गलतियाँ न हो इसके लिए अपने आप को तैयार भी किया, और विशेषकर पढ़ाई लिखाई पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहा। कोई इस प्रकार से ईश्वर कृपा से मैं बीमार नहीं रहा कि जिससे पढ़ने लिखने में या उसमें कोई बड़ी बाधा आ जाए। संपर्क विहीन जरूर रहा, परंतु कमरे के अंदर स्थिति इतनी कभी बिगड़ी नहीं कि लिखने पढ़ने में मुझे तकलीफ हो, तो बहुत ज़्यादा समय तो पढ़ाई लिखाई में ही गया। सो दिस इज अ बेटर वर्जन ऑफ अमित शाह। वो तो समय ही तय करेगा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी ये समय निकालने के लिए, थैंक यू सो मच जी। अंत में मैं बिहार की जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में मोदी जी का जो नेतृत्व है, इस पर आशीर्वाद देते हुए आप बड़े बहुमत के साथ NDA की सरकार को बिहार में विजयी बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।